सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 17 ऑफ क्लास 5th ईबीएस बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज महात्मा गांधी लीड्स द नेशन। महात्मा गांधी ने कैसे राष्ट्र का नेतृत्व किया, कैसे राष्ट्र को गाइड किया। लीड मींस होता है गाइड करना, नेतृत्व करना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So student, first let us see what are the learning points of this chapter. After completing this chapter, we will be able to know about the role of Mohammad Karamchand Gandhi in struggle of freedom India. हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये जान पाएंगे कि क्या रोल था मोहनदास करमचंद गांधी का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, वो हम देखेंगे। रोवेल्ट एक्ट 1919 देखेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखेंगे, क्या होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्या था ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दिस साइमन कमीशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, वो हम इन सब मूवमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगन अवर चैप्टर स्टूडेंट। द स्टोरी ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज incomplete without discussion the contribution of Mohandas Karamchand Gandhi. हमारी फ्रीडम की जो स्ट्रगल है, मतलब हमारी आजादी का जो संघर्ष किया था, वो incomplete है अगर हम महात्मा गांधी जी के contribution के बारे में ना discuss करें। He became one of the most respectful political leader of the time. He adopted the path of non-violence and helped to free the Indian from the British rule. वो एक ऐसे respected political leaders थे, राजनीतिक leader थे, जिन्होंने adopt किया non-violence. Non-violence means अहिंसा, और help की Indians की, भारतीय की, कि वो इस British rule से free हो सके, British rule से, British जो ब्रिटिश रूल है हमारे ऊपर, उससे आजाद हो सके। टू शो रिस्पेक्ट पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड कॉलिंग हिम महात्मा गांधी। उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें महात्मा गांधी बोलना शुरू कर दिया। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। He studied law in England and then went to South Africa to practice law. उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की, फिर बाद में वो साउथ अफ्रीका गए ताकि वो वकालत की वहां पे प्रैक्टिस कर सके, अभ्यास कर सके। महात्मा गांधी स्टेड देयर फॉर 21 ईयर। महात्मा गांधी वहां पे 21 साल के लिए रहे। He fought against the racist policies of white ruler there. उन्होंने वहां पे जो racist policy थी white ruler की, उसके खिलाफ वहां पे उन्होंने लड़ाई की। racist policy क्या थी कि जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वहां पे लोग काले और गोरे का भेद कर रहे थे। मींस जो लोग काले होते थे उनके लिए अलग रूल्स होते थे, जो लोग गोरे होते थे उनके लिए अलग रूल्स होते थे। तो ये जो काले गोरे का भेद होता था, काले गोरे का डिफरेंस होता था, इसको कहा गया है रेसिस्ट पॉलिसी। उसके खिलाफ उन्होंने वहां पे लड़ाई की। एज द ब्रिटिश रूल्ड साउथ अफ्रीका एंड द इंडियन देयर वर इल ट्रीटेड एट दैट टाइम। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश का रूल था और वहां पे इंडियंस के साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जाता था। इल ट्रीटेड मतलब बहुत गलत तरीके से व्यवहार उनके साथ वहां पे होता था। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया इन 1915 गांधी जी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए, बहुत इम्पोर्टेंट अंग बन गए। He was shocked to see that the poor state of Indian under British rule and also become very unhappy about the untouchable lower caste people.
वो बहुत ज्यादा शॉक थे, हैरान थे जब उन्होंने इंडियंस की यानी भारतीयों की बहुत बुरी अवस्था देखी ब्रिटिश रूल के अंदर। ब्रिटिश राज में इंडियन की भारत के जो लोग थे उनकी बहुत बुरी हालत थी और वो ये देख के बहुत ज्यादा अखुश थे, मतलब बिल्कुल ज्यादा खुश नहीं थे अनटचेबल्स के बारे में देख के। अनटचेबल मतलब वो लोग जो लो कास्ट के होते हैं, उनकी हालत देख के वो बहुत ज्यादा अखुश थे। The disunity among the Indian people due to religion, caste, gender was a hindrance in the achievement of freedom. जो disunity थी, disunity मतलब जो अनेकता थी Indian peoples में, भारतीय लोगों में, किस वजह से? Caste की वजह से, religion की वजह से, gender की वजह से, वो सबसे बड़ी problem थी। Inherence मतलब problem, वो सबसे बड़ी problem थी कि India में freedom ना अचीव करने की, आजाद नहीं हो पा रहे थे जो इंडियंस, वो इस वजह से नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, वो लोग यूनिटी नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी। वो हमेशा कहते रहते थे कि तुम इस रिलीजन के हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कास्ट सेम नहीं है, लड़का लड़की, इन सबका वो हमेशा भेद करते रहते थे। इस वजह से फ्रीडम अचीव नहीं हो पा रही थी। इसीलिए हालांकि गांधी जी डिसाइडेड टू वर्क फॉर द यूनिटी एंड फ्रीडम फॉर सच इविल एज वेल एज ब्रिटिश रूल। इसीलिए जो गांधी जी थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन ब्रिटिश रूल की जो ये इविल है, ब्रिटिश रूल की जो ये ब्रिटिश रूल है, इसके खिलाफ काम करेंगे और सभी लोगों को यूनाइट करेंगे। यूनाइट मतलब एक साथ लेकर आएंगे। दे स्टार्टेड वर्किंग बोथ ऑन सर्विस एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रंट। जो गांधी जी थे उन्होंने काम करना शुरू किया पॉलिटिकल फ्रंट में भी, मतलब राजनीतिक तौर पे भी, और सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू किया, मतलब वो लोगों को यूनाइट करना भी उन्होंने शुरू किया। ही गेव द नेम हरिजन टू अनटचेबल। उन्होंने जो अनटचेबल थे, मीन्स जो लोअर कास्ट पीपल थे, उन्होंने उनका उनको नाम दिया कि ये लोग जो है ये हरिजन। ही स्टार्टेड सत्याग्रह इन इंडिया टू एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया इंडिया में, उनके अकॉर्डिंग जो सत्याग्रह था ये सबसे बड़ा हथियार था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ये सबसे बड़ा हथियार था। वेपन मतलब क्या होता है? हथियार। गांधी जी इज सिंप्लिसिटी, काइंडफुलनेस एंड कमिटमेंट टू द कॉज अट्रैक्टेड द इंडियन मैसेस हु फॉलो हिज फिलोसफी। जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, मींस बहुत ज्यादा साधारण थे, बहुत दयालु थे और वो इंडियंस को, मतलब इंडियन की जो मासेस है, इंडियन के इंडियन बहुत सारे भारतीय को एक साथ अट्रैक्ट कर देते थे, मतलब आकर्षित कर देते थे कि जो लोग हैं वो गांधी जी को फॉलो करें। वो इतने ज्यादा उनके जो विचार थे, लोगों को गांधी के विचार इतने अच्छे लगते थे कि बहुत सारे लोग गांधी जी एक बार में अट्रैक्ट कर पाते। रोवेल्ट एक्ट ऑफ 1990, रोवेल्ट एक्ट जो 1919 में शुरू हुआ उसको क्या था? इन द ईयर 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास अ न्यू लॉ कॉल्ड रोवेल्ट एक्ट। 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नया कानून निकाला, उसको रोवेल्ट एक्ट कहते हैं, अंडर विच इट हैड पावर टू अरेस्ट पीपल एंड कीप देम इन प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स ये जो कानून निकाला था, इस कानून के अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो है वो कह रही थी कि उनके पास पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल मतलब बिना किसी सबूत के वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट एंड इट वॉज रेज बाय कॉलिंग द हड़ताल। जो गांधी जी थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड, कंट्री वाइड का मतलब होता है, गांधी जी ने पूरे देश में प्रोटेस्ट करवाया, प्रोटेस्ट मतलब हड़ताल करवाई पूरे देश में। और इस ये जो एक्ट गांधी जी ने पूरे देश में करवाया, इसको उन्होंने बोला कि ये उन्होंने इसको हड़ताल नाम दिया, ठीक है। The Rowelt Act leads the agitation by political leader as well as
द कॉमन पब्लिक एंड रीच द पिनेंसल इन अमृतसर पंजाब वेयर टू लीडर ऑफ द आईएनसी एस सत्यपाल एंड डॉक्टर साउफुद्दीन किचवल वर अरेस्टेड एंड टेकन टू द अननोन प्लेस। ये जो रोएट एक्ट था, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर थे वो बहुत ज्यादा एग्रीटेशन में थे, मतलब उत्तेजित थे। उत्तेजित मतलब होता है जो किसी भी काम करने के लिए रेडी होते हैं, वो थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स हुई अमृतसर में, पंजाब में, जो कि दो लीडर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सत्यपाल और डॉक्टर फिरुद्दीन किचन, इन्होंने की, और इनको अरेस्ट कर लिया गया और किसी प्लेस पे रख दिया गया, किसी अननोन प्लेस पे। अननोन प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जो जानते भी नहीं थे, इन्हें वहां अरेस्ट करके रख दिया गया। प्रोटेस्ट देयर अरेस्ट, अ पब्लिक मीटिंग वॉज अटेंड बाय 1000 पीपल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। इस अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, इस अरेस्ट के खिलाफ करीबन 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए मीटिंग करने के लिए। कब हुए थे? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919। इट हैड वन एंट्रेंस गेट ओनली। उस जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट था, सिर्फ एक गेट था। द ब्रिटिश जनरल डायर ब्लॉक्ड द एंट्रेंस विद हिज ट्रूप एंड कमांडेड देम टू फायर ऑन द गैदर्ड पीपल विदाउट एनी वार्निंग। जो ब्रिटिश जनरल थे डैनियर, उन्होंने क्या किया, उस एंट्रेंस गेट को ब्लॉक कर दिया। मीन्स वो जो एक गेट था जिससे लोग अंदर घुसते थे, उस गेट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उस गेट को उन्होंने जाम कर दिया। और अपनी ट्रूप मतलब जिस सेना के साथ वो गए थे उस जलियांवाला बाग में, उन्हें कमांड दिया, उन्हें ऑर्डर दिया कि वो उनके ऊपर गोलियां चला दें। वो जो लोग उस जलियांवाला बाग में गैदर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनके ऊपर वो फायर करें, यानी गोलियां चलाएं। द फायरिंग रेस्टेड फॉर 10 to 12 मिनट, किलिंग अबाउट 1000 ऑफ पीपल एंड मैनी पीपल वर लेफ्ट बाउंडेड। ये जो फायर था ये करीबन 10 से 12 मिनट तक चलता रहा, जिसकी वजह से हजारों लोग मर गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, चोट लग गई बहुत सारे लोग। दिस मस्करे ऑफ जलियांवाला बाग हैज द वर्स्ट पिक्चर ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो मस्करे था, मस्करे मतलब नरसिंहार, ये जलियांवाला बाग का नरसिंहार था। मीन्स जलियांवाला बाग पे जो ये क्रूअल एक्ट हुआ था, इसकी वजह से ब्रिटिश रूल की बहुत गंदी छाप पड़ी इंडिया में। दिस सेटल्ड द फेट ऑफ द होल नेशन एंड प्रोवोक्ड अ ग्रेट रेंज अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो एक्ट हुआ था, इसकी वजह से जो पूरा देश था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अपना फेथ यानी विश्वास जो है वो खो चुका था, बहुत ज्यादा प्रोवोक्ड था। प्रोवोक्ड मतलब गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्से में था और रेंज में था, वो ग्रेट रेंज में था, मतलब वो बदला लेना चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन इंडियंस पीपल के लिए जो कि जलियांवाला बाग में मरे। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्करे, मैसिव्स प्रोटेस्ट स्ट्राइक एक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस स्प्रेड ओवर द इंडिया। जलियांवाला बाग मस्करे के बाद, जो जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, उसके बाद बहुत सारे जो पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो पूरे इंडिया में बहुत तेजी से फैल गया। इन 1920 गांधी जी लेड नेशन वाइड पीपल्स मूवमेंट ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट ओपन द गांधी एंड द एरा इन द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट। 1920 में गांधी जी ने एक और मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसकी वजह से जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो और ज्यादा अच्छा हो गया, उसने एक नई राह खोल दी, एरा मींस एक नया पाथ खोल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन डिड नॉट कोऑपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग द लॉ डेलिबरेटली। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना छोड़ दिया और उन्होंने लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दिया। मीन्स जो भी कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी उस कानून को जो इंडियन पीपल थे वो उन्हें तोड़ते थे। दे डिसाइडेड टू रिटर्न द टाइटल एंड ऑनर कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश। उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ब्रिटिश
है, उन्होंने जो टाइटल और जो भी ये नियम जो ऑनर उन्हें दिया गया है वो सब उनसे वापस छीन लिया जाएगा। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर लेफ्ट द स्कूल कॉलेज रन बाय द ब्रिटिश। बहुत सारे स्टूडेंट यानी छात्र और टीचर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जो स्कूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था उस स्कूल कॉलेज को उन लोगों ने छोड़ दिया। बायकॉट ऑफ इलेक्शन एंड गवर्नमेंट फंक्शन। जो इलेक्शन है और गवर्नमेंट के जो भी फंक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाती थी उन सबको बायकॉट कर दिया गया। बायकॉट मतलब उन सबको छोड़ दिया गया, उन सबको करना बंद कर दिया गया। दे लेफ्ट देयर गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। पीपल प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ शॉप सेलिंग ब्रिटिश गुड एंड लेड स्ट्रेस ऑन बाइंग इंडियन गुड्स ओनली। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गुड, जहां वो शॉप वो दुकान जहां पे ब्रिटिश गुड्स यानी अंग्रेजों के सामान बिकते थे, लोगों ने वहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट मतलब लोगों ने वहां हड़ताल करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना अब शुरू कर दिया। मतलब वो ब्रिटिश सामान नहीं खरीदते थे, वो अब इंडियन जो सामान थे गुड्स मीन सामान उसे खरीदते थे। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया। द मूवमेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। गांधी जी हैड ऑलवेज एम्फसाइज दैट द मूवमेंट शुड बी पीसफुल। हाउएवर एन एंग्री बॉम्ब अटैक्ड एंड बर्न द ब्रिटिश पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। जो गांधी मूवमेंट जो मूवमेंट थी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही और गांधी जी ने हमेशा एम्फसाइज किया यानी हमेशा इस बात पे प्रेशर डाला, कि ये मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा पीसफुल रहेगा, मतलब ये मूवमेंट हम बहुत शांति से करेंगे। लेकिन हाउएवर हालांकि एक मॉब मतलब लोगों का झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एंग्री थे, उन्होंने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन जो कि चौरी चौरा में था, चौरी चौरा यानी कहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक गांव चौरी चौरा में जो ब्रिटिश का पुलिस स्टेशन था उन्होंने वहां पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन द इंसिडेंट। 22 पुलिसमैन जो थे वो वहां पे मर गए उस इंसिडेंट में, उस घटना में। गांधी जी वो शॉक विद इट एंड ही विड्रॉ द मूवमेंट इमीडिएटली। जो गांधी जी थे वो शॉक हो गए यानी उन्हें बहुत ज्यादा बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने इस मूवमेंट को तुरंत रद्द कर दिया कि ये मूवमेंट अब नहीं होगी। भगत सिंह, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू ये कुछ और फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे इंडिया को फ्री करने में बहुत ज्यादा मदद की। अ न्यू ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह, राजगुरु, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद एंड मैनी मोर बिकेम एक्टिव। ये लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ एंड दिस शुड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, मींस ये जो पीपल थे रिवोल्यूशनरी मतलब वो लोग जो देश के लिए काम करते थे, इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाई कर दिया। सैक्रिफाई मतलब इन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में खत्म हुआ। अ फ्यू मोर लीडर आल्सो केम इन फ्रंट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फाइटर। और भी बहुत सारे लीडर्स आए, अमंग देम वर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू। कुछ और भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो सामने आए। साइमन कमीशन। अब बात करते हैं साइमन कमीशन क्या है। इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सर जॉन साइमन द हेड टू इन्वेस्टिगेट एंड मेक मोर चेंजेस एंड रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? अपॉइंट मतलब उन्हें बुलाया, उन्हें एक ऑफिस प्रोवाइड किया ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच कर सके और ज्यादा चेंजेस ला सके, बदलाव ला सके इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब इंडिया के जो ये कार्य चल रहा था इंडिया में उसमें और ज्यादा बदलाव ला सके। द
इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉट असाइनमेंट बायकॉट द कमीशन एज देयर वर नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन इट। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने इस कमीशन को बायकॉट किया, ठीक है, और इस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मतलब कोई भी इंडिया से इस कमीशन पे नहीं गया। सर साइमन केम टू इंडिया, द पीपल प्रोटेस्टेड बाय कैरिंग आउट ब्लैक फ्लैग इन देयर हैंड ऑन द रोड विद द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। जब सर साइमन इंडिया आए तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध किया। कैसे विरोध किया? काला झंडा दिखा के, अपने हाथ में काला कपड़ा बांध के उन्होंने प्रोटेस्ट किया साइमन गो बैक की, विरोध किया, और साथ में एक स्लोगन दिया, स्लोगन मतलब आवाज लगाई, साइमन गो बैक। द प्रोटेस्टर यानी जो विरोधी थे वर लाठी चार्ज एंड इन वन सच एक्ट लाला राजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड इन लाहौर। ऐसे एक्ट में जो लाला राजपत राय थे वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें चोट लग गई, एंड ऑन 17 नवंबर 1928 ही डेड, और 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई यानी वो मर गए। द ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, अब जो क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए रिवॉल्यूशनरीज ने, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए रिवोल्यूशनरीज ने, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारियों ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस मतलब क्या क्या चीजें उन्होंने छोड़ दी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑन 8 अप्रैल को 1929 भगत सिंह बी के दत्त एक्सप्लोड टू बम ऑन द फ्लोर ऑफ सेंट्रल असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बी के दत्त ने दो बम फेंके, कहाँ पे? सेंट्रल असेंबली के फ्लोर पे, जमीन पे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर टेंस टू डेथ, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन्हें फांसी की सजा दी गई, टेंस टू डेथ मतलब इन्हें फांसी की सजा दी गई। जतिन दास डेड इन जेल आफ्टर एन अनलिमिटेड फास्ट फॉर मैनी ईयर, जो मैनी डेज जो जतिन दास थे उनके जेल में ही मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने काफी दिन तक, अनलिमिटेड मतलब अनगिनत दिन तक उपवास रखा था, खाना नहीं खाया था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या था? दिसंबर 1929 को नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पासेस अ रिजोल्यूशन एंड डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश। दे स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। दिसंबर 1929 को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने एक डिमांड रखी कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और पूर्ण स्वराज चाहिए, और इस मूवमेंट को उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा। इस मूवमेंट को जो लीड है किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? गांधी जी इसके लीडर थे। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 बाय कंडक्टिंग द दांडी सॉल्ट मार्च विच ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियंस। ये जो मूवमेंट था ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ? इस मूवमेंट में दांडी सॉल्ट मार्च की गई जिसमें जो सॉल्ट लॉ था ब्रिटिश के द्वारा, जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था, नमक का कानून बनाया गया था, उसको इंडियंस ने तोड़ा। दांडी मार्च एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टेकन कंप्लीट कंट्रोल ओवर सॉल्ट मैन्युफैक्चर एंड डिड नॉट अलाउ इंडियन टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो दांडी मार्च था उसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी कि वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर पे यानी नमक बनाने पे पूरी तरीके से ब्रिटिश का कंट्रोल होता था, सब मिल जो नमक थी वो ब्रिटिश बनाएगी। इंडियंस भारतीय अलाउ नहीं थे कि वो समुद्र के पानी से नमक बनाए। The Indian had to buy salt from the British at high price.
जो इंडियन थे, जो भारतीय लोग थे, उन्हें नमक खरीदना पड़ता था ब्रिटिश से बहुत ज्यादा हाई प्राइस में। गांधी जी कवर द एरिया ऑन फुट एंड ब्रोक द लॉ बाय प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट एट डांडी। जो गांधी जी थे उन्होंने इस लॉ को ब्रेक किया, तोड़ा, और वो जो थे उन्होंने सॉल्ट बनाया डांडी में। दिस जर्नी ऑफ गांधी जी विद हिज 78 फॉलोअर कॉल्ड द डांडी मार्च। ये जो जर्नी थी, ये जो यात्रा थी गांधी जी की और उनके साथ 78 उनके फॉलोअर्स की, जो उन्हें फॉलो करते थे, इस जर्नी को कहा गया डांडी मार्च। द मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934। ये जो मूवमेंट है ये 1934 तक कंटिन्यू रही, चलती रही। अल्टीमेटली 1938 में ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सेम रिफॉर्म इन इंडिया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में कि हाँ अब आप भी बना सकते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। एज पर द एक्ट इंडियन वर प्रॉमिस मोर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट कंट्रोल पावर रिमेन विद द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नया गवर्नमेंट पास किया, एक नया रूल पास किया 1935 में कि जो इंडिया है, इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उन्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में साथ देने के लिए, लेकिन जो पूरी पावर रहेगी, मीन जो पूरा कंट्रोल रहेगा, वो ब्रिटिश के हाथ में ही रहेगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन एंड वॉन इन मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस एंड फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन में खड़े हुए और बहुत जगह पे वो जीते और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या था? इट वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ब्लैंच इन इंडिया इन अगस्त 1942। ये भी एक तरीके का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो 1942 में हुआ। इन रिस्पांस टू गांधी जी कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। जो गांधी जी ने कहा था कि पूर्ण समाज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये उसी के रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट की गई थी। ही आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू डू और डाई। उन्होंने लोगों से कहा था करो या तो मरो फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन। अपनी देश की फ्रीडम के लिए, अपनी देश की आजादी के लिए करो या फिर मरो। द ब्रिटिश ट्राइड हार्ड टू सुपर द मूवमेंट बट वर नॉट सक्सेसफुल एज द इंडियन वर नाउ डिटरमाइंड टू हैव फ्रीडम एंड ब्रैंडी फेस्ड। जो ब्रिटिश है उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल ना होने दे, लेकिन अब जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थे, यानी पूरी तरीके से एकता में थे कि वो फ्रीडम लेके रहे थे, कि उन्हें अब फ्रीडम चाहिए चाहिए किसी भी फेस पे, किसी भी ब्रांडी फेस दे, मतलब किसी भी तरीके से। इन 1945 वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ, ब्रिटिश एक्सेप्टेड दैट दे वुड नो लॉन्गर बी एबल टू रूल इंडिया। कि वो अब इंडिया को रूल नहीं कर सकते। दे डिसाइडेड टू गिव इट्स फ्रीडम। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया को उनकी फ्रीडम, उनकी आजादी दे देंगे। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 was the great day in the Indian history as India finally become a free nation. 15 अगस्त 1947 एक बहुत बड़ा दिन था इंडियन हिस्ट्री में कि जो इंडिया थी, मीन जो भारत था, वो अब पूरी तरीके से आजाद हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रेसिडेंट बने फ्री इंडिया के, यानी आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर और पहले प्रेसिडेंट बने। बट द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश हैड बीन सक्सेसफुल समहाउ बिकॉज इट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन डिमांड ऑफ मोहम्मद अली जिन्न who became the leader of Pakistan. लेकिन जो डिवाइड और रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो सक्सेसफुल हो गई, उसको सफलता मिली जब इंडिया को, भारत को दो पार्ट में
पार्टीशन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो पहले लीडर थे वो कौन बने, मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान के पहले लीडर बने। इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहे वो देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा वो ये था कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 एट पोरबंदर गुजरात। 2 अक्टूबर 1849 को वो पोरबंदर गुजरात में हुए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 एंड बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी 1915 में इंडिया में आए और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। रोयल्ट एक्ट वॉज पास इन 1919। रोयल्ट एक्ट जो है वो 1919 में पास हुआ। जलियांवाला बाग मसले जो है उससे इंडिया ब्रिटिश रूल की एक बहुत ही बुरी छाप छोड़ी इंडिया में। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सर जॉन साइमन इन 1927। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन को 1927 में अपॉइंट किया। लाला लाजपत राय डेड ऑन 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। इंडिया बिकम अ फ्री नेशन इन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है वो फ्री नेशन बना 1947 में। मींस 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। सो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। थैंक यू।